हेलो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को सर्वर, नेम सर्वर और डीएनएस के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाउ टू चेंज नेम सर्वर के बारे में बताऊंगा कि आप अपना जो नेम सर्वर है अपने डोमेन में, तो वहाँ पर आप अपना नेम सर्वर कैसे चेंज कर सकते। नेम सर्वर बेसिकली होस्टिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सो नेम सर्वर को आप जब होस्टिंग खरीदेंगे तो आपके ईमेल में नेम सर्वर, दो नेम सर्वर आएंगे, NS1 और NS2 करके। तो ये जो नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 है, इसको आप अपने जो डोमेन अकाउंट में डालना होगा, जिससे कि आपके जो डोमेन है और आपका जो होस्टिंग साइट है, तो उन लोगों को पता चले कि कहाँ से आपने डोमेन लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी अपने डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं, जहाँ पर कि मैं आप लोगों को हाउ टू चेंज योर नेम सर्वर उसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, ये मेरा गोडैडी का अकाउंट है जिसमें कि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। ये देखिए, मेरा एक ही डोमेन नेम है जो कि info.com के नाम से है। तो यहाँ पर हम लोग DNS की तरफ चलते हैं, जो कि डोमेन नेम सिस्टम है। मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, जो कि एक फ़ोन बुक की तरह होता है, जो एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ़ोन बुक की तरह होता है, जो हमारा जो डोमेन नेम और उसका IP एड्रेस कोरिलेट करता है, कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में। सो DNS पर हम लोग DNS पर क्लिक करते हैं। तो DNS पर क्लिक करने के बाद हम अपने डोमेन मैनेजर के जो डोमेन मैनेजर के DNS के पेज के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिकॉर्ड्स में, वी कैन डिस्प्ले योर DNS इन्फॉर्मेशन बिकॉज योर नेम सर्वर आर नॉट मैनेज बाय अस। इसका मतलब हमारा जो ये लोग हमारा DNS का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो नेम सर्वर है वो दूसरे के द्वारा मैनेज हो रहा है। क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि नेम सर्वर होस्टिंग प्रोवाइड करता है और नेम सर्वर का जो मैनेजमेंट है वो होस्टिंग करता है, होस्टिंग नेम सर्वर मैनेज करता है। इसलिए, क्योंकि हमने होस्टिंग दूसरे से लिया हुआ है, इसीलिए गोडैडी हमारा नेम सर्वर मैनेज नहीं करता। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेम सर्वर की तरफ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपने जो होस्टिंग अकाउंट है, जहाँ से कि मैंने ख़रीदा हुआ है, redserverhost.com, सो यहाँ से मैंने अपने मैंने अपने नेम सर्वर को ऑलरेडी मेरे डोमेन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को अपना नेम सर्वर कनेक्ट करना है, जो कि आपका नेम सर्वर आपके ईमेल में आ जाएगा जब आप अपना होस्टिंग ले लेते तो आपके ईमेल आईडी में वो उसका जो दो नेम सर्वर ईमेल हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोग कॉपी करके यहाँ पर चेंज के ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पर आप जब सेव करेंगे तो आपका नेम सर्वर चेंज हो जाएगा। नेम सर्वर चेंज होने के बाद जब आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आपको अगर ये मैसेज आ गया रिकॉर्ड्स वाला, जो ये जो नेम सर्वर नॉट मैनेज बाय अस वाला जो मैसेज आ गया, तो इसका मतलब आपका नेम सर्वर ऑलरेडी चेंज हो गया है। तो इससे आप लोगों को पता चला है कि नेम सर्वर चेंज हो गया है। सो ऐसे ही नेम सर्वर चेंज किया जाता है। इसके बाद के वीडियो में मैं आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताऊंगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।